हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए हिंदी का जो बुक है गोदलू भाग 2, उसी का चैप्टर 10 मछली जो कहानी है, उसके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। उनका जन्म कब हुआ था, इसने कितनी कविताएं लिखी थी, कितने उपन्यास लिखे थे, इनका सारांश चैप्टर का क्या है, इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर हैं सभी को कवर किया हूँ। कुल मिलाकर बात करें तो इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चंस का कवर किया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में या फिर आपको WhatsApp पर भी मिल जाएगा। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आपको WhatsApp पर कमेंट करना पड़ेगा। WhatsApp नंबर मैं वीडियो के बीच में दे दिया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें। तो हम आ गए लैपटॉप के स्क्रीन पर, यहाँ से हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी मछली जो कहानी है उसका लेखक परिचय, उसके बारे में इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर है सभी को बताऊंगा। तो देखिए, मछली जो है लेखक परिचय में, जैसे कि मछली कहानी है उसके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को, अभी ये 83 वर्ष में के है। राजनागंध गांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, इनके बारे में पढ़ेंगे, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपको एग्जाम में पूछते हैं। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद पेशा के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल को 1990 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो हम तुम बताते हैं, जैसे रचनाएं में यहां पर जय हिंद, वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, नौकर की कमीज, खिलेंगे तो दिखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय आदि, ये सब इसकी रचना है। पाठ परिचय, प्रस्तुत पाठ मछली कहानी संकलन महाविद्यालय से ली गई है। पूछेगा प्रस्तुत पाठ मछली कहानी किस महाविद्यालय से ली गई है, तो संकलन महाविद्यालय से ली गई है। इस कहानी में एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ तथा संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद को भी स्पर्श करती है। इसकी कुछ कविता है, लिखा हुआ लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में पब्लिश हुआ था। वह आदमी चला गया नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह वर्ष 1981 में पब्लिश हुआ था। सब कुछ होना बचा रहेगा वर्ष 1992 में इसको पब्लिश किया गया था। अतिरिक्त नहीं, इसको 2000 में कविता से लंबी कविता 2001 में पब्लिश किया गया था। आकाश धरती को खटखटाता है वर्ष 2006 में, 50 कविताएं 2011 में, कभी के बाद अभी 2012 में, कभी ने कहा चुनी हुई कविताएं वर्ष 2012 में पब्लिश हुआ, प्रतिनिधि कविताएं 2013 में। इसके कुछ उपन्यासकार थे, जैसे नौकर की कमीज पूछेगा उपन्यासकार है कि कहानी है कि पाठ है, तो नौकर की कमीज जिसके उपन्यास है 1979 में पब्लिश हुआ था। खिलेगा तो देखेंगे 1996 में, दीवार में खिड़की रहती थी वर्ष 1997 में, ये उपन्यास है। हरी घास की छपरी छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ वर्ष 2011 में, यासी रासा था वर्ष 2017 में, एक चुपी जगह वर्ष 2018 में। ये सब उपन्यास है जो आप देख रहे हैं। यहां पर हम आपको बताए थे कविता संग्रह, ये कविता था और इसके बारे में हम बता दिए। अब हम आपको बताएंगे यहां पर इसका सारांश, उसे हर चैप्टर का सारांश आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ। प्रस्तुत पाठ मछली संवेदनापूर्ण कहानी है, इसमें मछली के माध्यम से लोगों के मनोभाव को व्यक्त किया गया। बच्चे अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं, 3 मछलियां खरीदी जाती है जिनमें एक खरीदने के वक्त ही मर गई थी। बच्चे झोले में मछलियों को रखकर गली से होकर घर वापस लौटते हैं। बूंदे पड़ने के कारण बाजार में भीड़ घट रही थी, बच्चे भी इसलिए दौड़ रहे थे कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में रखी 3 मछलियों में से 2 जीवित थी, उनकी तरफ के झटके बच्चे महसूस कर रहे थे। अचानक जोरों से वर्षा होने लगी, बच्चे झोले के मुंह इसलिए फैला दिए कि मछलियों में थोड़ा जान आ जाए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनमें से एक मछली कुएं में पाली जाए और उसके साथ खेली जाए। वर्षा में दोनों भाई भीगने से थर थर कांपने लगे। स्नान घर का दरवाजा बंद करके 3 मछलियों को बाल्टी में डाल दिया गया।
संतु ठंड से कांप रहा था। माँ की मार के भय से दोनों भाई कमीज एवं पेंट निचोड़ कर बाल्टी के पास बैठ गए। संतु बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। बड़े भाई ने कहा, इसमें से जीवित एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतु मछली को छूना चाहता था किंतु काटने के डर से नहीं छूता था कि कहीं मछली हमें काट न ले। तभी लेखक ने उसे छूने को कहा। उसने सहमते हुए एक मछली को छुआ लेकिन डर कर अपना हाथ खींच लिया। लेखक ने बाल्टी से मछली निकाली और पुनः बाल्टी में डाल दी। इस क्रम में मछली उछली तो पानी के छींटे उन पर पड़े। संतु चौंक कर पीछे हट गया। लेखक मछली की आंखों में अपना छाया देखना चाहता था क्योंकि दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। इसलिए पहले संतु का झांकने को कहा किंतु उससे कोई जवाब नहीं मिला। तो मछली को अपने चेहरे के समीप लाकर देखा तो उसे उसकी आंख में धुंधली सी परछाई दिखी। लेकिन यह परछाई थी कि मछली की आंखों का रंग था यह समझ नहीं पाया। इसके बाद दीदी को बुलाने को कहा लेकिन दीदी के सोने की बात सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। मां को मसाला पीसते हुए देखकर दुखी हो गया कि मछली आज ही कट जाएगी। संतु भी उदास हो गया। वर्षा बंद हो गई। तब लेखक ने आंगन में जहां मछली काटी जाती थी वहां धुला हुआ लकड़ी का तख्ता देखा। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। स्नान घर का दरवाजा खुला हुआ था। माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। घर में पिताजी केवल मछली खाते थे। भग्गू ही मछली काटता तथा बनाता था। स्नान घर में भग्गू का मछली लाते देकर लेखक के मन में उदासी छा गई क्योंकि कुएं में मछली पालने का उत्साह बूझ सा रहा था। दीदी ने हम दोनों भाइयों को कपड़े पहनाए, बाल सवारे। लेखक ने दीदी से कहा, दीदी आज मछली आई है, तीन है, एक शायद मर गई, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले दीदी चुप रह गई कि बात क्या है, फिर कमरे का दरवाजा बंद करने की बात कहकर सो गई भग्गू ने मछली के पूरे शरीर में राख मलकर फिर उसकी गर्दन काट डाली। तभी संतु एक मछली लेकर सरपट बाहर भागा उसकी जान बचाने के लिए। बच्चा तो आखिर बच्चा होता है। भग्गू भी संतु से मछली छीनने दौड़ पड़ा। संतु दोनों हाथों से मछली को अपने पेट में छिपा हुआ था और भग्गू उससे मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि संतु कहीं मछली कुएं में न डाल दे। वह पिताजी के डांट से भय से परेशान था। एक तरफ घर के अंदर पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दूसरी ओर दीदी की सखियां बढ़ गई थी। पिताजी दहाड़ कर कह रहे थे, भग्गू अगर नहान घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चल गया। संतु डर से सहमा हुआ था और उसके कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए। स्नान घर में ही नहीं पूरे घर में मछलियां जैसी गंध आ रही थी। अब हम इस चैप्टर की कहानी के तो पढ़ लिए हैं, कहानी को समझ लिए हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न एक आ रहा है कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। तो दौड़ते हुए बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए कि इस गली से घर नजदीक पड़ता था। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। तो मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे, जब मन होगा बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। प्रश्न तीन, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर यानी स्नान घर में प्रवेश किया। भरी हुई बाल्टी को आधा खाली कर झोले के जो तीन मछलियां थे उसमें उड़ेल दिया यानी बाल्टी में रख दिया। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। संतु को मछली छूते हुए डर लग रहा था, मछली सुने से कहीं काट न ले, इसलिए वह हिचक रहा था। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी। मछली ने उसकी परख कैसे की। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में अपनी परछाई देखकर की। संतु क्यों उदास हो गया। संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछुड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया।
घर में मछली कौन खाता था और वो कैसे बनाई जाती थी। घर में मछली पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था, उसे काटने के लिए अलग पाटा जाता पाटता, पछे पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घाट में होता था। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी कमरे में थी और वह सो रही थी। अरे कहता हुआ बग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे कहता हुआ बग्गू संतु के पीछे भागा, क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु जो है मछली को कुआं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी स्पष्ट करें। आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने को विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर उड़ रही। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहराना एवं मछली का लहराना दोनों में समानता दिखलाई पड़ी। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी नरेन से नाराज थे, क्योंकि बच्चों ने मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को करते देख विवल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना छपटी की स्थिति आई। पिताजी इन हरकतों के कारण नाराज हुए। इसका प्रसंग व्याख्या करना है उसे मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा, घबराइए नहीं। इसको आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, बढ़िया से समझ लेना, ठीक है? चलिए आपको अब हम आगे बढ़िया क्वेश्चन जो है जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन को बताते हैं यहाँ पर। संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है? देखिए संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा परमार्थ ममता जैसे गुण विद्यमान होते हैं, परंतु आज मानव अपने आदर्श को भूलकर इन गुणों को त्याग कर स्वार्थ में अंधा होकर विवश और लाचार की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त है। मुख मछलियों को निम्रता पूर्वक काटते देख संतु उसकी रक्षा को आतुर हो उठता है और उसे बचाने हेतु झपट कर भग्गू के सामने से मछली को लेकर भाग जाता है। इस विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस लाचार शोषित पीड़ित जनों की रक्षा उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परामर्शक ममतब्स में धैर्य टूट जाता है। सभी प्राणी में अपनी परछाई देखनी चाहिए, यानी कि मछली जिस तरह से कट जाती है उसे नहीं काटना है। सभी प्राणी में जन्म हो मतलब उसकी जन्म क्या कहते हैं उसकी प्राण होता है, उस प्राण को बचाना चाहिए। जिस तरह से हमें दर्द होता है उस तरह से और भी प्राणी को दर्द होता है, तो इस तरह से उभार था। दीदी का चरित्र चित्रण करना। प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार के यथार्थ झलक है। दीदी घर के चार दीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। लिंग भेद परिवार में निहित है। पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं है, जिसके चलते घर में ही रहकर समय व्यतीत करती है। वह ममता की मूर्ति है, अपने भाइयों के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है, उनके प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने की शिक्षा देती है। मछली को विवश होकर कट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। वह समाज की रूढ़िवादिता के बीच मूक रहकर लाचार बेबस एवं निम्रता पूर्वक प्रहार को सहन करने वाले की आत्मा की पुकार को अनुभव करके सकिया एवं आभर कर रह जाने वाली कन्या है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना। मछली शीर्षक कहानी में किशोर की स्मृतियां दृष्टिकोण और समस्या है। मछली के माध्यम से मुख रखकर प्रणांत को स्वीकार लेना ही लाचार शोषित पीड़ित उजनों की नीति है। बताया गया है कि जीवन क्षण भंगुर है, कल्पनाएं क्षणिक है एवं स्वप्न कभी भी बिखर सकते हैं। बाल सुलभ मनोभाव मछलियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पूरी कहानी मछली पर ही आधारित है। मछली की दशा का जीवंत चित्रण है। अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से करता है कि जिस तरह से दीदी इस घर में कठपुतली की तरह है उस तरह से मछली भी है। इस कहानी का मछली शीर्षक पूर्ण रूपेण सार्थक कहा जा सकता है। कहानी का सारांश अगर आपको प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, इस कहानी को एक छोटे से लैंग्वेज में एक समरी टाइप के लिख देना है कि कहानी में जो जुजबी घटना जैसे हुआ था हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जैसे कि शुरू में हम आपको बताए थे उसको आपको सीधा लिख देना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हम बताए हुए हैं इस कहानी को, यहाँ से इसी में से कुछ लाइन जो आपको मेन में लाइन होगा उसको लिख देना है, सारांश आपका हो जाएगा। पांच नंबर में आता है इसमें। देखिए हम आपको चैप्टर के जितने क्वेश्चन है सर सब बता दिए हैं और यहाँ पर जैसे कि कुछ चीजें निम्नांकित वाक्यों को पद विग्रह करना है, पाठ में प्रयुक्त विभिन्न क्रिया रूपों को एकत्र करना है, सब मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। आपको पीडीएफ मिल जाएगा,
पीडीएफ लेने के लिए आपको जो है व्हाट्सएप पर कमेंट करना पड़ेगा 8873। हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा 8873210713 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मैसेज में लिखना है कि पाठ 10, पाठ 9, पाठ 8 या फिर सभी हिंदी के सभी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो आपको लिखना है, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे।